हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज आप लोग देखने वाले हो मारुति सुजुकी की सिलेरियो के कुछ क्रैशेस जो कि काफ़ी ज़्यादा भयंकर हैं। वैसे तो मैंने यूट्यूब से लेकर के हर जगह सर्च किया बट मुझे उतनी ज़्यादा इमेजेस नहीं मिली, बट जितनी भी इमेजेस मिली उसमें इस गाड़ी के परकच्छे उड़ रखे हैं, मतलब कुछ नहीं बचा। आप ये सामने वाली इमेज देख लो, इसमें कुछ लग रहा है आपको बचा है? ऊपर की रूफ सूफ सब कुछ खत्म हो गया इस गाड़ी का। बाकी मैं आप लोगों को हमेशा यही बोलता हूँ कि कार को हमेशा सेफ चलाएँ, अपने कंट्रोल में चलाएँ। ये गाड़ियाँ थोड़ी हल्की होती हैं तो इनका बैलेंसिंग भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर आप हल्की सी भी स्पीड में ज़्यादा ब्रेक ले लेते हैं या फिर ज़्यादा कट मार देते हैं तो इन गाड़ियों को एक सेकंड नहीं लगता पलटने में। और ये इनकी बिल्ड क्वालिटी आप लोग भी खुद जानते हो, मैं तारीफ़ नहीं करना चाहता किसी भी कंपनी की यहाँ पर कि आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं टाटा को प्रमोट करता हूँ या फिर और किसी ब्रांड को, ऐसा कुछ नहीं है। बट अपनी आँखों के सामने सब चीज़ें मालूम है आप लोगों को कि माइलेज ही हमेशा मैटर नहीं करता। एग्री करता हूँ आप लोगों के पास पैसे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, इवन मैं भी करता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो गाड़ी लेना ही बेकार है जो हमें बचा ना सके। मतलब 2-4 लाख रुपए लगा करके जब हम कार ले रहे हैं तो कुछ पैसे और लगा करके कोई बढ़िया बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी ही क्यों ना ली जाए। बाकी आप लोग वीडियो देखो और आप लोग समझो इस चीज़ को कि क्या हो सकता है। हर बार गलती वैसे आपकी नहीं होती बट फिर भी आपको हमेशा, अगर आप स्पीड में कंट्रोल में चलाएंगे गाड़ी को तो आपको कंट्रोल करने में इजी रहेगा, जिससे आपकी जान भी बच सकती है। और हमेशा अगर आप अपनी फैमिली के लिए गाड़ी ले रहे हो, यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी के अलावा कुछ भी मत देखो गाड़ी के अंदर। सच्ची पहले बिल्ड क्वालिटी, उसके बाद अपनी हर चीज़, माइलेज को सेकंड नंबर पे रखो, सबसे नंबर फर्स्ट पे सिर्फ और सिर्फ आपको सेफ्टी रखना चाहिए, जो कि इंडिया के लोग बहुत ही कम करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि फ़र्क ही नहीं पड़ता बट कंपनी ये चीज़ नहीं समझती। अगर कंपनी समझती तो शायद आपको बहुत ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ियाँ सस्ते दामों में भी अवेलेबल कराती, बट उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अपने मतलब गाड़ियाँ बिकने से मतलब है। बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में।